सब लोगों का पर्सनल फोन तो है ही है, तो फिर क्या मेरे बेबी का पर्सनल फोन नहीं होगा? ये देखिए उसका पर्सनल फोन। तो बच्चों का मोबाइल मिलता है, हम लोगों ने अमेज़न में देखा, क्योंकि वो हमारे फ़ोन के साथ बहुत बिजी हो जाता है। हम लोग थोड़ा बहुत भी फ़ोन उसके सामने फ़ोन आता है, उसको थोड़ा भी मतलब देखता है तो वो भी उसे भी फ़ोन चाहिए होता है। स्पेशली मेरे हस्बैंड को शाम के टाइम के मैं किचन में आती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, हमारा डिनर बनाती हूँ, गर्मा गर्म बना के खाते हैं, तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का फ़ोन लेकर बैठा रहेगा। तो उसने कहा देखते हैं अमेज़न में कोई बच्चों का फ़ोन है कि नहीं। तो उसने वैसे भी ये मोबाइल उनको देना ठीक नहीं है, यूवी रे निकलता रहता है, तो फिर बच्चों का फ़ोन ये टच है, ऑन ऑफ है यहाँ पे, तो लाइट जलेगी एंड ऑल्सो कुछ म्यूजिक वगैरह एनिमल साउंड्स, ज़्यादा नहीं चलाऊंगी क्योंकि वो उठ जाएगा, तो एनिमल साउंड्स वगैरह हंसी थिटोली फ़ोन रिंगटोन ये सब होता रहता है, तो उसे मैं दे देती हूँ। उसे देखकर मैं आराम से थोड़ा बाथरूम वगैरह जा पाती हूँ, तो बस अभी इससे खुश है। 2-3 दिन उसके बाद ये भी चला जाएगा उसके हाथ से। हे गाइस, वेलकम आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे। मैं हूँ शुलता, यहाँ पे मेरा बेटा खेल रहा है। तो मैंने सोचा आज का व्लॉग तो बनता ही बनता है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम दोनों अकेले स्पेंड कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड गए हैं त्रिपुरा, बाहर गए हैं, सो दिस इज माय न्यू ग्लासेस एंड या मेरे हस्बैंड गए हैं, कल संडे था, कल गए थे। तो मैंने सोचा इन दिनों तो व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि रेगुलर होता है वैसा कुछ तो नहीं होता है, तो आज तो अच्छा कैमरा देख रहा है तो और भी एक्साइटेड हो रहा है। आज तो व्लॉग बनता ही है क्योंकि आज इसके पीछे एक रीज़न भी है कि मैं और मेरा बेटू अकेले हम लोग कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड भी देख पाएंगे, मेरे फैमिली वाले भी देख पाएंगे एंड ऑल्सो हमारा भी थोड़ा और काम हो जाएगा। सो हम लोग सुबह 8 बजे उठे थे। मैंने सुबह जो आते हैं हमारे हाउस हेल्प पर उसे मना किया आने के लिए कि सुबह मत आओ, 11 बजे आओ, क्योंकि सुबह आओगे तो नींद भी खुल जाएगी, मैं उठती हूँ तो वो भी उठ जाता है, तो उतनी सुबह उठ के भी क्या करूँगी, अभी तो ऑफिस नहीं है। तो इसीलिए हम लोग 8 बजे उठे, 8:30 बजे तक उसका मैंने पूरा कम्प्लीट कर दिया। फिर थैंक्स टू अंकल जी, वो देने के लिए प्रैम में मैंने उसको सुलवाया, देन सुला के जो भी काम करना था, उसका पॉटी वगैरह क्लियर करना, उसका बॉटल उबालने देना, उसका एप्पल बनाना, मेरा खाना बना के रखना, चाय बनाना, ब्रश करना, सब कुछ मैंने 1/2 घंटे में कंप्लीट कर दिया। तब तक उसका मूड भी अच्छा था, उसमें वो अच्छे से खेल रहा था, क्योंकि थैंक्स टू दिस मोबाइल ऑल्सो उसके पापा की वजह से। तुम भी कुछ बात करोगे? तुम्हें भी कुछ बात करनी है? हेलो, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो फैन ऑफ है ना, इसलिए गर्मी भी लग रही है, चलिए फैन ऑन करते हैं। एंड ऑल्सो या अभी बज रहे हैं 10, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। मैंने कल उसके लिए होममेड घी, जैसे मैं बनाती हूँ होममेड घी बनाया था, तो घी के साथ जो चूरमा निकलता है, घी का जो चूरा निकलता है, उसको शुगर में डालकर गरम गरम रख मिक्स करके रख देती हूँ एंड रोटी के साथ, वो अभी गर्मा गर्म रोटी के साथ मैंने खा लिया। एंड उसे तो सुबह उठ के ही फीड करवा दिया था, दूध फीड करवा, भी वो एक नीनी लेगा, तो एप्पल मैंने बॉयल कर लिया है, उसके बाद वो एप्पल लेकर स्मैश करके 11 बजे तक उसे खिलाएंगे, तब उसकी भूख लगेगी। एंड बीच में तो ब्रेस्ट फीडिंग चलता रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी अभी भी कंटिन्यू है। एंड या फर्स्ट टाइम हम दोनों अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा तो मुश्किल मैंने लगा सोचा था होगा, पता नहीं कैसे जाएगा, पर आई थिंक अच्छा खासा जा रहा है, अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता था ऐसा भी कोई दिन आने वाला है, इसलिए मैं इसके लिए पहले से मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड थी, इसलिए मुझे बच्चे का सब कुछ करना भी आता है, लकीली मैंने सब कुछ सीख लिया था। तो चलिए अच्छे से सोई भी हूँ कल रात को, मतलब 3 या 4 बजे से लेकर 6-7 बजे तक सोई हूँ थोड़ा देर। फैन ऑन करते उसे बहुत बहुत गर्मी लग रही है, बहुत बकबक भी कर लिया। Hey guys, this is the first day उनके बिना, तो आज का अभी दोपहर तक हम लोगों ने लंच किया है, तो अभी तक तो बहुत अच्छा ही जा रहा है एंड अगर ऐसा चलता रहा तो 2 दिन ऐसे गए तो बहुत ही अच्छा। एंड या अभी वो सो रहा है, मैं भी उसके पास जाके अभी सोऊंगी।
या वन मूवी मैं देख रही थी, जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन, जो अभी अभी निकला था और बहुत दिनों से मैंने देखने का मन था। 3 दिन से मैं देख रही हूँ, परसों स्टार्ट किया, कल थोड़ा देखा और अभी वो सो रहे तो अभी थोड़ा देख रही थी। और आज दोपहर का लंच हमने किया था, मैंने और मेरे हाउस हेल्पर ने, मैं उन्हें आके बनाई खिचड़ी, बनाई दही के साथ खा लिया, अच्छी भी लगती है। अभी मैं हाजमोला ले रही हूँ, मैं सोचा अभी सो रहा है तो मैं शूट भी कर लेती हूँ, नहीं तो बाद में उठ जाएगा, उसको लेकर बिजी हो जाऊँगी। तो यह उसका नहाना वगैरह, लंच वगैरह सब कुछ कर लिया, वो सो भी गया आराम से। फिर मैं मेरी हाउस हेल्पर आई, उसके बाद मैंने बाथिंग ली, उसने आके खाना वाना बनाया, जो भी काम उसका है वो सब किया। बहुत अच्छे से बारिश हो रही है पर फिर भी इतनी गर्मी लग रही है, क्या बताऊँ आप लोगों को। और अभी अभी वो गई है तो काम पूरा ख़त्म हो गया, शाम को फिर से आने वाली है। और वैसे वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छे से बेबी का भी ध्यान रखती है और मेरा भी काम हो जाता है। और हाँ, राना पहुँच गए अच्छे से। तो बस अभी का मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, फिर से नए ब्लॉग में आप लोगों को दिखाई दूँगी हस्बैंड के बिना कैसा जा रहा है हमारा दिन। एक्चुअली बात वो नहीं है, हस्बैंड के बिना इससे पहले भी मैं रही हूँ, वो कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते रहते थे। अभी क्या है, अभी बेबी है तो बेबी को संभालना देन अकेले रहना, वो थोड़ा डिफरेंस है। तो अच्छे से जा रहे हैं भाई, पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मैं थोड़ी बहुत स्लिम हुई हूँ। देखना पड़ेगा भाई, चेक करना पड़ेगा। आप लोगों से वादा किया था ना, आने के बाद मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगी, इसको लेकर भी एक वीडियो आएगा कि मैं कैसे थोड़ा थोड़ा करके अपना वेट कम कर रही हूँ। तो चलिए, आज का वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।